अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज का दिन फिर बहुत गहमा गहमी चल रही है। इमरान खान साहब की कुछ 3.5-4 घंटे कह सकते हैं नैब में। मैं तो वैसे इतफाक़ नहीं करता इस बात से कि नैब की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, जब दारा इख्तियार का मामला हो तो पहले दारा इख्तियार तय होना चाहिए, उसके बाद अगला प्रोसेस होना चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र ये है, भर वो तफसीला भी आपके सामने रखूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस जो है 1960 को चैलेंज कर दिया, उसके मुख्तलिफ प्रोविजंस को, उस पर गुफ्तगू करूँगा। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दो था और बड़े अहम रिमार्क्स हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से अदालत की, मैं उस पर बात करूँगा। और सबसे पहले हम आ जाते हैं नज़रसानी दरख्वास्त पर। नज़रसानी का दायरा इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन बेवकूफ़ बना रहा है कौम को, या उनकी कोशिश यही है कि सारा निज़ाम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। अब चलाने वाले चला रहे हैं सारे मसले को। और बड़ा ज़बरदस्त सवाल अदालत ने किया संजीदगी से, यानी इलेक्शन कमीशन के वकील, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमती बेंच पर एतराज़ करती रही, कभी फुलके और कभी 3-4 का नुकता उठाया, जो बाकी बातें आपने लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को ये मौका अपनाने पर मजबूर किया? ये बड़ा अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले इलेक्शन नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत जो की है चीफ जस्टिस उमर ताज बंदियाल की सरबराही में की, और तरीके इंसाफ के जवाब की कापी उन्होंने कहा नहीं मिली, तमाम जवाब का जायजा लेने के लिए मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपने दलाइल तो दें, आइंदा समाअत पर नया नुकता उठाना तो उठा सकते हैं, ये डिले करना चाहते हैं। वकील इलेक्शन दलाइल में कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त का दायरा इख्तियार आइन में मुकदमा में महदूद नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है लेकिन काम नहीं किया जा सकता। नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दीवानी और फौजदारी मुकदमा में महदूद है। जस्टिस जाजुल हसन ने इस पर रिमार्क्स दिए, बुनियादी हकूक के लिए अदालत से रजू करना सिविल नौयत का केस होता है। आर्टिकल 184 का एक हिस्सा अवामी मफाद, दूसरा बुनियादी हकूक का है। जस्टिस मुनीम अख्तर ने रिमार्क्स दिया, अगर इंतखाबात का मुकदमा हाईकोर्ट शो कराता तो क्या सिविल केस ना होता? वकील इलेक्शन कमीशन बोले हाईकोर्ट का आईनी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। जस्टिस मुनीस ने कहा कि नज़रसानी केस में अपना मौकफ है कि इदारा महदूद नहीं, क्या ये बुनियादी हकूक के मुकदमा के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं? सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने इदारा इख्तियार में इबहाम पैदा करे? और यहाँ वो अपील का हक नहीं है, इस तरह की बातें जो है मैं, लेकिन मैं फिर बार बार आप लोगों को बताता होता हूँ, आपको याद होना चाहिए हाईकोर्ट फैसला कर चुकी थी इसका। ये जो कह रहे हैं ना कि हाईकोर्ट से होकर ये बात कर रहे हैं लीव टू अपील, हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को फैसला कर दिया था, 90 दिन में इलेक्शन कराने थे। गवर्नर मान नहीं रहा था, फिर मैं बताता चलूं, गवर्नर मान नहीं रहा था, गवर्नर कह रहा था असेंबली मैंने तहलील नहीं की। वो कहता जब मैंने असेंबली तहलील नहीं की मैं क्यों इलेक्शन की डेट दूं? इशू था इलेक्शन की तारीख का, डेट, इलेक्शन की डेट का एक इशू था जिस पे ये सारी बात हो रही थी, वो डेट नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन का ये गवर्नर ने कहा इलेक्शन कमीशन मैं भी डेट नहीं देनी, अब आगे इलेक्शन कमीशन 180 डिग्री पे आ गया हुआ है। और अगर वो जवाब देख लें, इंट्रा कोर्ट अपीलें जो दाखिल की थी वो सारा देख लें, तो इलेक्शन कमीशन के कॉल ऑफ फेल में बड़ा वाज़े तौर पर तजाद है। नज़रसानी बनती नहीं है, वक्त ले रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप जो मर्जी इसको कह दें, आप जो मर्जी जिसका मर्जी नुकता नज़र आप कह दें, लेकिन हालात और वाक़ जो सच हैं वो सच हैं, वो कौम के सामने आने चाहिए। एक बड़ी मज़ेदार बात है, जो गिरफ्तारियाँ सारी हुई हैं ज़िले शाह मुकदमे में, बड़ी जो पेशरफ की है फ़ारूक हबीब, डॉक्टर यास्मीन अशरफ मियाँ, महमूद रशीद की, अच्छा दोनों तो जेल के अंदर हैं, तो एग्जामिशन दे देनी चाहिए थी अदालत को, जमानत कबल गिरफ्तारी, ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म होना चाहिए। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल आना चाहिए। अदम पैरवी का बिलाल बैग ने महफूज फैसला सुनाया जी, जज साहब हैं, और फवाद चौधरी को राजा शकील जमान किया, बुरी जमानत में 3 जून तक तस्हीह हो गई है जी। और तफ्तीश ना मुकम्मल होने पर तफ्तीश की है, सर्वर रोड का थाना मुकदमा है जी। और अगला जो मामला है वो इमरान खान साहब की तशहीर तकरीर पर है जी, पैमरा जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा के सामने ये मामला है, और पैमरा ने जवाब दाखिल कर दिया है। पैमरा ने कहा जी उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, टीवी चैनल अपने तौर पर खुद ही इमरान खान की तशहीर तकरीर नशर नहीं कर रहे, और जो नोटिस है वह अदालत ने ऑलरेडी मुअत्तल कर दिया हुआ है। ये वो चीज़ है जो समझने वाली बात है। और आगे आपको चलें, मैं लेकर चलता हूँ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस की तरफ। सेक्शन 3 और 16 जो है वो चैलेंज किया है, नैब को इख्तियार नहीं है इस हवाले से, सॉरी हुकूमत को इख्तियार नहीं है,
क्या करते हैं, जिसका दिल चाहता है अंदर डाल दें, जिसको डाल डालें बाहर डालें, कोई रीज़न नहीं, कोई वजूहत नहीं। इस पर मैंने तफसीली बात की है, सोशल मीडिया पर मेरा चला भी है, यूट्यूब पर सॉरी ट्विटर पर भी चला है, वही चीज़ अब दोबारा देख लीजिए। कानून मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के नाम पे जो 1960 से नाफज युग के जमाने से नाफज है, उसकी आईनी हैसियत को लाहौर हाईकोर्ट में ज़ैनब उमैर और तलत नकवी की तरफ से चैलेंज कर दिया गया। आपने पिछले आपने 25 अप्रैल को भी देखा था कि हजारों एमपीओ के ऑर्डर जाकर लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद किया गया, ना कोई मुजरिम थे, ना कोई मुलजम थे, ना कोई केस था, सिर्फ सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता आया है। अब वो वक्त दूर ही रहा। आपको पता है यहां पर बगावत का सेक्शन 124 से भी लाहौर हाईकोर्ट ने कलदम करार दे दिया है। इसी तरह यहां का सेक्शन 3 और 16 की आड़ में जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स को, साफियों को, एंकर्स को डिटेन किया गया, या इनके आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17, 18 की खिलाफ वर्जी है, ना कोई वजह बताते हैं। और आपने यह भी देख लिया कि कई घरों में लोग जाकर जो तोड़फोड़ की है पुलिस ने, जो लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया, कौन जिम्मेदार है? इनका आर्टिकल 10 से आ गया, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। या तो इस सेक्शन 3 और 16 को कलदम करार दिया जाए, या सेक्शन 3 और 16 का इख्तियार इस्तेमाल करने के हवाले से पहले आपको जस्टिफाई करना है, वजूहत देनी है, आपको डिटरमिन करना है कि वाकई इस बंदे के बाहर रहने से लॉ एंड ऑर्डर को हालात खराब होने का अंदेशा है या कोई ऐसे हालात पैदा कर सकता है। और लेकिन आर्टिकल 19 और 19 से भी भूल गए हम, इसलिए लाहौर हाईकोर्ट में इसकी वायरीज को चैलेंज कर दिया गया है। आपने जितने डिटेंशन ऑर्डर इस वक्त देखे हैं, मैं कोई एक जस्टिफाई बता रहे, सारे के सारे अदालतों ने कलदम यानी मैक्सिमम कलदम करार दे दिए। और एक डिटेंशन ऑर्डर में तो 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माने का हुक्म भी दिया है, यानी किस तरह बुनियादी हकूक की वायलेशन हो रही है, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी आपने ये देख लिया। अगला मामला था ज़िमनी इलेक्शन के, इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से, ये सिर्फ साथ ही बताना चाहिए था लेकिन अब मैं बता देता हूँ। 2 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं ननकाना साहब में और फैसलाबाद में। इलेक्शन कमीशन कहता हम तैयार हैं, बैलेट पेपर छप गए हैं और हम हर तरह से इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, ये उनका नुक्ता नज़र है। और अदालत के बड़े हमले मार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पंजाब में तो इलेक्शन कराना नहीं चाहता, कहता है। मैंने कहा जी सबूत लगाए उन्होंने, उन्होंने कहा हालात ही नहीं है। तो ये 2 ज़िमनी इलेक्शन कहता, तो ये तो अदालत के रिमार्क्स थे कि ये तो अपने आप आपका केस मजबूत होता है बतौर सियासी जमात की। इस पर मैंने खामोशी इख्तियार की थी, बात सही है, बात तो सही ही कि ये तो अब सबूत आ गया ना कि इलेक्शन डिले है, ये जहाँ इन्होंने इलेक्शन कराना वहाँ इलेक्शन कराने, जहाँ नहीं इलेक्शन कराना चाहते वहाँ नहीं कराना चाहते, आप और हम तो शो डालते रह जाएंगे। और वहाँ मैंने मीडिया पर आके जो गुफ्तगू की है, यहाँ मीडिया से ज़रा वो सुन लीजिएगा। पंजाब में ननकाना साहब और फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन 28 तारीख को होने वाले केस में जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला महफूज कर दिया। अदालत को बताया गया कि पेशावर के अंदर 3 हलकों में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और पेशावर हाईकोर्ट ने मामला हुक्म इम्तनाई दिया हुआ है। आईन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 4 के तहत 120 दिनों के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, और जब 28 को इलेक्शन कराएंगे तो 14 दिनों के बाद 60 दिन से कम भी टाइम रह जाएगा। और इस असेंबली में इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है, खुद स्टैंस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पंजाब में इलेक्शन हो नहीं सकते, कोई अपना फंड दस्तयाब नहीं है, फोर्स दस्तयाब नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है या सिक्योरिटी के हालात नहीं है, तो दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन अगर करा रहा है तो इससे सियासी आपकी पोजीशन बेहतर होती है। इलेक्शन कमीशन एक तरफ कह रहा है कि इलेक्शन ही कराने, दूसरी तरफ इसमें कहा उन्होंने कि बैलेट पेपर भी छक ले हैं और हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये डायरेक्टर लॉ ECB ने कहा है। तो कॉलो फेल में तजाद आ गया है। हमने अदालत के सामने केस ये रखा है कि बाकी सूबे में इलेक्शन नहीं हो रहे तो यहाँ भी नहीं होने चाहिए, और इस पर इलेक्शन कमीशन लाजवाब हो गया कि पंजाब के इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास फंड नहीं है और आपके पास लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के हालात नहीं है, तो 2 ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर आप ये सारे इंतजाम कर देंगे, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में मजबूत हो सकता है। अदालत ने इस बुनियाद पर एक आर्गूमेंट सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अगला जो अहम केस है वो सोशल मीडिया पे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो उनको उठा लिया जाता है, यानी 9 मई के वाक़े में जो कवरेज करने गए थे उनको भी उठा लिया, घर में तशद्दुद कर रहे हैं, पुलिस वाले ज़्यादती कर रहे हैं
और ऐसे ऐसे हालात और वाकयात बना रहे हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कोई तरीका तो नहीं है क्या अगर आप इस तरीके से मामलात को लेकर चलें। क्या आईन और कानून नहीं है यहाँ, बुनियादी हकूक नहीं है? ये जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के पास नबील शहजाद की तरफ से समाअत हुई है, वहाँ मीडिया मैंने क्या गुफ्तगू की है वो सुन लीजिएगा। जो आम केस है वो डिजिटल मीडिया के हवाले से है कि सोशल मीडिया की जो कवर करने गए थे 9 मई के सानिया को, जियो फेंसिंग के जरिए उन लोगों को भी उठाया जा रहा है, उन लोगों को भी हरासा किया जा रहा है जिनकी वजह से शनाख्त हो रही है, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। या आइनी दरख्वास्त की समाअत जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की कोर्ट में हुई, 3 जो इनके अराकीन हैं जो मेंबर हैं उनको जेर हरासत रखा हुआ है बगैर किसी वजह के, उसके बारे में अदालत ने गवर्नमेंट पंजाब और CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। और जो बाकी डिजिटल क्लब के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कवर करने के लिए गए थे उनको हरासा करने से रोकते हुए 25 मई के लिए अदालत ने रिपोर्ट मंगवा ली है। वाइस प्रेसिडेंट शाकिर साहब मौजूद हैं जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो मज़ीद तफसीलात नामों के साथ बताएंगे। शुक्रिया जी, हम अज़र सदीक साहब के मशहूर हैं कि इन्होंने डिजिटल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है, और ये करीबन कोई 50 के करीब लोग थे जो कि वहाँ पर कवरेज के लिए गए थे, और इन्हीं की फुटेजेस की मदद से उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे, जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और जिन्होंने जिना हाउस में दाखिल होकर जो है तोड़फोड़ की। तो यही वो डिजिटल मीडिया के लोग हैं जिनकी फुटेजेस की मदद से आप उन लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग कैमरे के पीछे थे इन्हें भी हरासा किया जा रहा है, इन्हें भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। जैसे अज़र भाई ने बताया कि 3 लोग हैं, उनमें एक का नाम असद है, एक का नाम सलमान है, एक का नाम अहमद अरहम है। ये 3 लोग जो हैं अहमद अरकम, ये 3 लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, और मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि इनको भी इस शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया। और आज अदालत की जानिब से बड़े वाज़े अहकाम दिए गए हैं और ये हुक्म सादर फरमाया गया है कि इन 3 लोगों के हवाले से पंजाब हुकूमत और CCPO लाहौर जो हैं वो 25 मई को जवाब जमा करवाएँगे ये लोग कहाँ पर हैं। इसके साथ साथ 50 के करीब डिजिटल मीडिया के वो अफराद जिनकी लिस्ट 7 पटिशन में लफ की गई है उनको हरासा करने से अदालत ने रोक दिया और 25 मई को जवाब तफसीली तलब किया है। इस ज़मन में जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के जो अहम तरीन रिमार्क्स थे वो ये थे कि उन्होंने कहा कि ये जो आप अमल कर रहे हैं इससे मोहब्बत में इजाफा नहीं होगा, देखें आप क्या कर रहे हैं। यानी इस हवाले से अदालत ने भी बरहमी का और सख्त जो है वो कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब जानते हैं, और अदालत ने 25 मई को आप जवाब तलब कर लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब और जो ज़िलाई इंतज़ामिया है जो पुलिस है वो कोई ऐसा रास्ता बनाए, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जिसमें जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं अगर आपको किसी किस्म की तफ्तीश की ज़रूरत है या कोई भी आपको चीज़ चाहिए तो आप रابطہ कर सकते हैं। और हम अज़र सदीक साहब का नाम देते हैं उस कमेटी के लिए कि आप कोऑर्डिनेशन करें, आप इनको बताएं उस लिस्ट के अंदर जिस शख्स के हवाले से आपको कोई इतराज़ात हैं, कोई खदशात हैं, आप ये समझते हैं कि उन्होंने सहाफ़ती इख्तार के मुताबिक वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं की तो हम वो शख्स ख़ुद पेश करेंगे। लेकिन इस तरह जो है वो इन डिजिटल मीडिया के लोगों के घरों में जाकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल ना किया जाए, इन्हें हरासा ना किया जाए। देखें इस ज़मन में लाहौर प्रेस क्लब के साथ हमारे जो है वो बहुत सी नशस्तें हुई हैं और तय ये किया गया है कि जो करंट अफेयर्स और न्यूज़ से डिजिटल मीडिया के लोग होंगे उनको जो है वो उनकी सरपरस्ती जो है वो प्रेस क्लब करेगा, उनकी सरपरस्ती हमारी जो PFUJs हैं वो करेंगी, और सहाफ़ती इकदार के मुताबिक जो रिपोर्टिंग करेंगे उनको जो है वो प्रेस क्लब ने कहा है कि हम ऑन करेंगे, और उन लोगों के लिए जो है वो हम एसोसिएट मेम्बरशिप या दीगर जो उनके लिए जो है वो रास्ते खोले जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे डिजिटल के लोग हैं जो ख़ास तौर पर न्यूज़ और करंट अफेयर्स के लिए हवाले से काम कर रहे हैं उनके लिए हम वर्कशॉप भी मुनक्किद कर रहे हैं, उनके लिए हम मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी इंट्रैक्शन करवाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ उनकी इंट्रैक्शन करवाते हैं, और उन्हें यह बताया जाता है कि जब भी कोई इस तरह का सानहा वाकया या कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो वहाँ पर रिपोर्टिंग किस तरह करनी है, आपने किस तरह किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो क्योंकि ये नया मीडियम है तो इन लोगों को सरपरस्ती चाहिए, अज़र साहब की सरपरस्ती चाहिए, हमारे सीनियर सहाफ़ियों की सरपरस्ती चाहिए ताकि ये निखर कर सामने आएँ और वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हों। आगे बड़ा अहम मामला है जो नैब की जो नैब ने जारी की है, वैसे तो ये अलकादर ट्रस्ट कोई केस नहीं बनता है,
और इमरान खान ने बाकायदा इसको क्लियर किया है अलकादर ट्रस्ट को, अलकादर ट्रस्ट के कि इसको बड़ी तफसीली है, जरा लंबा प्रोग्राम आज हो जाएगा, लेकिन वो मैं चाहूँगा जो इमरान खान ने बात की है वो जरा सुन लीजिएगा। जिस तरह के हालात हैं यहाँ, हालांकि मेरे कोई सब बेल है, मैं और बुशरा बेगम दोनों जा रहे हैं, वो भी बेल पे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि यहाँ क्योंकि कानून के ऊपर तो अमल हो नहीं रहा, तो किसी चीज पर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, तो चांस है कि मैं कल अरेस्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है ये गवर्नमेंट, अब तो सारा कुछ ही गवर्नमेंट चैनल्स बन गए ना, तो कोई है ही नहीं जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। देखिए, समझ जाए कि केस है क्या, ताकि आपको सरों को एक अल कादर यूनिवर्सिटी का केस समझ आ जाए। मैं चाहता हूं सारे सोशल मीडिया वाले समझ जाओगे केस क्या है। केस ये है कि मैंने फैसला किया था कि मैं सीरत-उल-नबी के ऊपर इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने के लिए वहां रिसर्च करवाए, यूनिवर्सिटी बनाए अल कादर की, साथ उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो भी हम पढ़ाए। लेकिन इसका मकसद ये था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे, फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, उनकी सीरत के ऊपर, उनकी क्वालिटीज के ऊपर, कि कभी हमने इसके ऊपर कोशिश नहीं की अपने लोगों को, हम दीनी बातें करते रहते हैं उनकी दीनी साइड, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी जो सुन्नत है उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं करते। तो ये मकसद था इस यूनिवर्सिटी का। इसके लिए मलिक रियाज ने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूं इसको। ये 2000 ये याद रखें अपडेट्स, दिसंबर 2018 में ये सारी इसकी जमीन खरीदी गई, मई के अंदर मैंने इसकी ओपनिंग की, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की मई 2019 में, ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाजे लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज है, जो मैं हूं, जो बुशरा बेगम क्यों, क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है, तो हमें ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मसलन बच्चे कहीं के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खराती इदारे ऐसे चलते हैं, तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक अग्रीमेंट होती है, अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट है, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक अग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में अग्रीमेंट साइन होती है, उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट अग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड होते हैं उसमें 190 मिलियन पाउंड, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को अग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है तो फिर आपको इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अब वहां हमारे वकील बैठे होते हैं, हमारे लॉयर बैठे होते हैं, हमारा लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 million बाहर लिटिगेशन में हार चुके हैं अब तक, और कोई हमें कोई चीज हम बाहर से रिट्रीव नहीं की, तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है, फिर चाहो ये 5-6 साल केस चलेगा
और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। ये कैबिनेट को, कैबिनेट के सामने ये फैसला आया, या आप 190 मिलियन डॉलर पाउंड ले लें और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। ये था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने वो जो मैं, हालांकि मुझे जाती तौर पर फायदा हुआ है, मुझे जाती तौर पर कैसे फायदा हुआ है, वो जो 190 मिलियन डॉलर है वो आज पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अगर वो समझती है नायब के बोरा, ये गवर्नमेंट समझती है कि वो ठीक बात में नहीं आया, वो दूसरी तरफ जा, आज आप जाके रिट कर दें, आप नायब रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दूसरी बात में ले आए, वो पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना, और दूसरी, और मुझे उससे क्या फायदा हुआ है। और दूसरी तरफ के अल कादर यूनिवर्सिटी से मुझे कोई फायदा हुआ है, कादर के सारे अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, मुझे कादर कैसे फायदा हुआ है, ना मैं कुछ सैलरी लेता हूं ना कुछ लेता हूं, मुझे किधर से फायदा हुआ है। ये ऐसे कि शौकत आलम से मुझे फायदा हुआ है, या मैं नमन यूनिवर्सिटी से फायदा हुआ है, मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी ना कोई सैलरी ड्रॉ करता है ना उसका मुदाखलत होती है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है। ये है केस जिसपे मुझे उन्होंने वहां से अगवा करके रेंजर्स ने पकड़ के उठा के ले गए थे। ये है वो केस कि ना मुझे कोई फायदा है, ना कोई जाती फायदा है, ना वो साबित कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ आपको पता नहीं। सो ये समझ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जब कल पकड़े और इन्होंने सारी चीजें कर ली हैं, ये मैं नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है वो केस। अब नैब ने क्या कहा जी, 20 सवालों के जवाब जो है ना जी तलब कर लिए, और ये अंदर से बंद के पहले आए इमरान खान बाद में निकले, जवाब पहले निकल आए हैं, असासों की तफसीला तलब की है, वो नायब नहीं तलब कर सकता, तमाम मनकुल और गैर मनकुल असासों की तफसीला फराम करने की हिदायत की है, बीवी बच्चों समेत तमाम जेर कफालत अफरादों की सासियत, तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात, खानदान की ट्रांजेक्शन भी तलब की है, 1992 के बाद के सासों का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा जायजा भैया, आप तो कमाल हो गया है, जो नायब का कानून है वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया ज़रा खुद सोच लीजिएगा। बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड लाकर वापस मुलजमान को देकर माली फ़ायदे दिए, 19 करोड़ पाउंड मुलजमान को वापस करके इमरान खान ने 458 कनाल जमीन और 28 करोड़ रुपये हासिल किए, ये वो कह रहे हैं। 19 करोड़ इमरान ने ट्रस्ट ने अतियात में भारी रकम ली, 2 मार्च के कालाब नोटिस में ना पेश हुए और ना ही जवाब दिया था, जानबूझ कर नए कह राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब ये यहीं से समझ लीजिएगा, नज़र आ रहा है ये सियासी तौर पर इमरान खान को नीचे फेंकने जाते हैं, कोई नहीं केस। मैं आज भी समझता हूँ कि दारा इख्तियार पे ये केस बनता है, इसको दारा इख्तियार पे नैब का इख्तियार ही नहीं है, जो नई तरामीम को अगर सामने रख कर देख लें तो ये केस बनता ही नहीं है। और ये फैसला जो है, अब बहरहाल इमरान खान साहब पेश हुए हैं, उसे आगे देखते हैं क्या बनता है। ज़्यादा चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।